हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम समझते हैं जो आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पेपर में आपका आता ही है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो या मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा सिंपल सा, जिसमें पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब उस अवयव की रचना कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल्स ए और 2x3 मैट्रिक्स की रचना करनी है। ए जो है हम लिखते हैं यहाँ पे ए 2x3 की रचना कीजिए, जहां पे आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखा होगा ए आई जे और यहाँ पे लिखा होगा 2x3 और आप लिखेंगे ए आई जे की वैल्यू भी आपको दी होगी। ए आई जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया है 2i+3j और अपॉन में लिखा हुआ है 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करनी है, जहां i किसको डिनोट करता है, पंक्ति को डिनोट करता है या रो को डिनोट करता है, जे किस चीज को डिनोट करता है, कॉलम या फिर किसको डिनोट करेगा, स्तंभ को डिनोट करता है। तो हम किस तरीके से मैट्रिक्स की रचना करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, मतलब नंबर ऑफ रो इज 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 3, मतलब कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए 1 और 1, फिर लिखेंगे ए 1 2 फिर ए 1 3, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से पहले लिखिए। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। अब लिखने के बाद ध्यान दें तो ये 2x3 मैट्रिक्स बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ रो 2 है, 2 रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, A11 की वैल्यू आप फाइंड करने वाले हैं, इस A11 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए आई के जगह में यहाँ पे लिखा हुआ है 1, जे के जगह में लिखा हुआ है 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 2x1+3x1 और अपॉन में 2, दैट इज 2+3/2 और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5/2। फिर हम लिखेंगे A12 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, A12 मतलब i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वहां पे हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे लिखूंगा 2x1+3x2 अपॉन में लिखेंगे 2, वहां पे वैल्यू पुट किया, यहाँ से मिलेगा 2+6 और अपॉन में 2, तो इसका आंसर आएगा 8/2 और इसको सॉल्व किया जाए तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल चुका है। फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे A13 की, जो वैल्यू है वो फाइंड करने वाले हैं A13 की। तो i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है कितनी, 3, बस इसमें मान हमको रखनी है। तो यदि मैं रखता हूं i 2x i, i की वैल्यू मैं रखूंगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 3 और j की वैल्यू जो लिखेंगे वो 3 लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 2+9/2 मिलेगा और इसका मान होगा 11/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू पे ध्यान देते हैं, तो A21 पे ध्यान दें, तो A21 निकालना है हमें, तो A21 इज इक्वल्स टू क्या करनी है, i की वैल्यू आप 2 रखेंगे, j की वैल्यू आप 1 रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2x2+3x1 अपॉन में आएगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी 4+3/2, दैट इज 7/2, ठीक है। तो A21 की जो वैल्यू होगी वो 7/2 हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A22 की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो ए टू टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई की वैल्यू भी रखेंगे टू, जे की वैल्यू भी रखेंगे टू, दोनों की वैल्यू हम रखेंगे। रखने पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान देंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा फोर, ये वैल्यू मिलेगा हमें फाइव सिक्स, है ना, ये वैल्यू मिलेगा सिक्स अपॉन टू, और ये बन जाएगा टेन बाई टू, दैट इज वैल्यू मिलेगा हमें फाइव। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें ए टू थ्री की बात करते हैं, तो ए टू थ्री जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आई की वैल्यू में आप थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री और अपॉन में लिखेंगे टू, तो इसका मान होगा फोर प्लस नाइन बाई टू। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, सारे चीजों की वैल्यू मिल चुका है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, सभी का मान मिल चुका है। बस इन सभी मान को हमको इसको एक इक्वेशन नाम दे देनी है, जिसका जिसका क्या है ए टू क्रॉस थ्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आप यहाँ पे समीकरण एक में मान रख सकते हैं। तो आपका समीकरण एक में आप अंतिम में मान रखेंगे तो क्या मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सीधा हम क्या रखेंगे, समीकरण एक में मान रखेंगे, तो ए वन वन का मान है फाइव बाई टू, है ना, और वैल्यू रखते जाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण एक में मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण एक में मान रखेंगे क्या मिलेगा, ए टू थ्री इज इक्वल टू, अब ए वन वन की वैल्यू फाइव बाई टू है, अब वैल्यू बस पुट करते जाना है फाइव बाई टू, ए वन टू की जो वैल्यू है वो फोर है, यहाँ पे फोर रख देंगे, ए वन थ्री की जो वैल्यू है वो है इलेवन बाई टू है, तो इलेवन बाई टू रख देंगे और इसे हटा देते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हम लिखेंगे ए टू वन की जो वैल्यू है, ए टू वन की वैल्यू है वो है सेवन बाई टू, और ए टू टू की जो वैल्यू है वो है फाइव, और ए टू थ्री की जो वैल्यू है वो है थर्टीन बाई टू, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, ए टू क्रॉस थ्री का जो आंसर होगा वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, जो भी मैट्रिक्स की रचना करनी होगी या कंस्ट्रक्ट द ऑब्वियस कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स बोला जाएगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही और मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ जो मैट्रिक्स की रचना से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हो और उसे हम किस तरीके से उस मैट्रिक्स की रचना करेंगे। तो ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है ए टू क्रॉस थ्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब आपको मैट्रिक्स की रचना करनी है, ए टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसमें ए टू क्रॉस थ्री जो है ए आई जे लिखा गया है और आपको कुछ इसकी जो वैल्यू है वो दी गई है, और वो क्या वैल्यू दी गई है, जैसे कि मान लिया जाए आपको कुछ ऐसा वैल्यू दिया जाता है कि i प्लस थ्री जे अपॉन टू लिखा गया है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए आई जे की जो वैल्यू है i प्लस थ्री जे अपॉन टू ऐसा दिया है, है ना, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो हमें क्या करना है, इस टू क्रॉस थ्री को थोड़ा सा जमाते हुए लिख लेंगे, कैसे लिखना है, पहले तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। ठीक है, तीन कॉलम होना चाहिए और दो रो होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला होगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे भाई, लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे ए टू क्रॉस थ्री है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो ए वन वन इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू आप वन रखेंगे, जे की वैल्यू आप वन रखेंगे, तो वन रखने से आपको क्या मिलेगा, वन प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा फोर बाई टू, दैट इज टू वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ए वन वन की वैल्यू आपको मिल चुका है क्या, ऐसा टू। अब वैसे ही आप लिखेंगे ए वन टू की जो वैल्यू है, ए वन टू की वैल्यू तो आई की वैल्यू वन रखते हैं, थ्री इंटू टू लिखेंगे और अपॉन में टू लिखेंगे, तो वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्स बाई टू, दैट इज सेवन बाई टू मिल जाएगा।
फिर हम लिखेंगे 1 into 3, तो आप वैल्यू पुट करें तो होगा यहाँ पे 1 3 है, तो i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 3 लिखेंगे, आपको आंसर मिलेगा 1 plus 9 by 2, that is 10 by 2, तो टोटल आंसर मिला 5। फिर हम लिखेंगे a21 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 2 रखोगे, j की वैल्यू 1 रखनी है, तो आप क्या लिखेंगे 2 plus 3 into 1 upon 2, that is 2 plus 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 plus 3 by 2, that is 5 by 2, आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे a22 की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू आप 2 लिखेंगे, j की वैल्यू 2 लिखेंगे, आपको आंसर दिखने वाला है 2 plus 6 by 2, that is 8 by 2, और ये वैल्यू मिलेगा 4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे a23, i की वैल्यू आप 2 लिखेंगे, j की वैल्यू 3 लिखेंगे, आपका आंसर मिलेगा 2 plus 9 by 2, that is 11 by 2, ये आपको मिल जाएगा। और इन्हीं सारे वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें a is equals to मिलेगा, क्या चीज, 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, that is 7 by 2 मिलेगा, 1 3 जो होगा वो 5 होगा, फिर आप यहाँ पे 2 1 की जो वैल्यू लिखेंगे वो होगा 5 by 2, फिर 2 2 की जो वैल्यू होगी 4, और ये जो होगी 11 by 2, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन बनानी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।